हेलो गाइस, जैसे कि अब ट्रिपल सी की अक्टूबर में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका सेकंड पेपर है, तो जो 13 अक्टूबर को क्वेश्चन आए हैं वही आज की इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए। तो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये आपके एग्ज़ाम में जो है ना बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो मैं हूँ काजल और स्वागत करती हूँ आपका अपने नॉलेज गुरु काजल चैनल में। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर में करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है। करंट विंडो मींस उसी टाइम जो विंडो ओपन की हुई हो। तो ऑप्शन है Ctrl+W, Ctrl+A, Ctrl+D या फिर Ctrl+Q। तो विंडो को क्लोज करने की जो शॉर्टकट की है गाइज वो है Ctrl+W, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 13। तो उमंग ऐप में जो लैंग्वेज जो यूज़ होती हैं वो होती हैं 13। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। तो ऑप्शन है परम, क्रीपर, हार्ली या फिर फेमस। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को क्या है हार्म पहुंचाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कंप्यूटर वायरस है। तो जो सबसे प्रथम था वो था फर्स्ट क्रीपर, जो कि गाइस 1971 में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है IRCTC। तो कल बताया था ना IRCTC क्या होता है। तो ये पूछ रहा है कि IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की। तो ऑप्शन है क्रिस, ब्रिक्स, एयरबी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कि IRCTC एक रेलवे विभाग की शाखा है, तो इसने जो इंटरनेट टिकट की प्रणाली शुरू की थी उस कंपनी का नाम था क्रिस। नेक्स्ट है IPv6 एड्रेस साइज, मीन्स IPv6 का एड्रेस साइज पूछा गया है कितना होता है। तो ऑप्शन है 6, 28, 128 या फिर 64। तो यहाँ पर की गई है 6 की बात, यानी कि वर्जन 6 के बारे में पूछा गया है। तो वो होता है 128 बिट, यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी सही। अगर पूछ लें कि IP4 का कितना होता है तो गाइस होता है वो आपका 32 बिट। और आप ये ध्यान रखना इसमें तो हेक्साडेसिमल यूज़ होता है और इसमें केवल डेसिमल यूज़ होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में समाहित होता है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट तथा आउटपुट यूनिट या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए कंप्यूटर में CPU भी ज़रूरी है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हैं, मेमोरी भी आपकी ज़रूरी है, बिना मेमोरी के कंप्यूटर का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इनपुट और आउटपुट दोनों यूनिट का होना भी ज़रूरी है। तो इसमें सारी चीज़ वो होती हैं गाइस, इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस राइटर में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है Ctrl+2, Ctrl+Shift+1, Ctrl+1 या फिर Ctrl+5। तो आपने कोई टेक्स्ट क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है गाइस, और उस सेलेक्टेड टेक्स्ट पर आपको क्या लगानी है, हेडिंग लगानी है। तो देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देनी चाहती हूँ, एग्ज़ाम में कोई सी भी हेडिंग पूछ ले, कोई सा भी स्टाइल पूछ ले, तो सिर्फ आपको कंट्रोल के साथ जो है बाद का जो नंबर पुट किया गया है ना उसको चेंज कर देना है कि वही रहेगी। जैसे यहाँ पर हेडिंग 1 है तो इसकी हो गई Ctrl+7+1, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, बस आपको बाद वाला ही नंबर देख लेना और वही कंट्रोल के साथ की यूज़ कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, सार्थक रूप में व्यवस्थित डाटा डैश दिया गया क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या फिर प्रोसेस। तो कंप्यूटर में जो डाटा एक जगह कलेक्ट रहता है या व्यवस्थित रहता है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन, मीन्स सूचना। नेक्स्ट है, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर उनके डैश दिया गया है का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है डोमेन नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम या फिर पासवर्ड। तो इंटरनेट पर अगर आपको किसी से क्या करना है, कनेक्ट होना है या फिर
कांटेक्ट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका यूज़र नेम पता होना चाहिए, तभी तो आप उससे कनेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया है। जिन कंपनियों के पास विभिन्न प्रणालियों में बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित होती है, उन्हें विचार करके एक बड़ा डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। तो ऑप्शन है, बड़े डेटा अवसंरचना प्रौद्योगिकियों को चुनने और लागू करने के लिए एक योजना का निर्माण, डेटा की अंतर सभ्यता और विकास कार्य की मात्रा विभिन्न डेटा स्रोतों को जोड़ने के लिए आवश्यक होगी, या व्यापार डेटा और एनालिटिक्स विक्रेताओं की क्षमता उन्हें बड़े डेटा वातावरण में व्यावसायिक प्रश्न देने में मदद करती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उसे क्या जरूरत पड़ेगी, डेटा की अंतर सभ्यता, विकास कार्य की मात्रा, विभिन्न स्रोत डेटों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। तो ऑप्शन है, वर्ल्ड वाइड वेब, सफारी, नेटस्केप या फिर मोजैक। तो देखिए ग्राफिकल वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रहा है, तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो था पहला वो था मोजैक, जो कि मार्क एड्रिसन ने बनाया था। ये भी पूछ लेते हैं किसने बनाया था, तो इसके जो इन्वेंटर थे वो थे मार्क एड्रिसन। ठीक है, नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या है। तो ऑप्शन है, 1024, 5089, 6026 या फिर 3615। तो जो कॉलम की जो संख्या होती है लिब्रा ऑफिस में, ये होती है आपकी 1024। नेक्स्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिम और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, निजीकरण और सुरक्षा, ऊर्जा खपत, नेटवर्क कंजेशन या फिर उपयुक्त सभी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे क्या बोलते हैं, IoT बोलते हैं, तो IoT की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आई है, जो कि यही होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसके जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नाम कॉन्सेप्ट जो दिया था वो थे गाइज केविन एस्थन। तो आप ये बात ध्यान रखना, ये इसके इन्वेंटर थे। तो इसमें पूछा गया, इस पे किस में विचार किया जाना चाहिए, तो निजीकरण और सुरक्षा, ऊर्जा खपत, नेटवर्क कंजेक्शन, इन सभी पर इन्हें विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर है। UPI में यू क्या है। तो ऑप्शन है, यूनिक, यूनिफाइड, यूनिवर्सल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको UPI की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ताकि इसमें से कुछ भी पूछ लें, ये भी पूछ लें कि UPI में P क्या है या फिर I क्या है, तो आप इजीली से उसे कर सकेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पर इस यू का क्या मतलब हो गया, हो गया यूनिफाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा क्या है। तो ऑप्शन है, बेसिक, कोबोल, फोरटेन या पास्कल। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है गाइज, जैसे बेसिक है, कोबोल है, फोरटेन है, पास्कल है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा के बारे में, तो वो जो थी वो थी फोरटेन, जिसे बोल देते हैं फुल फॉर्म में फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी जॉन बैकस ने। तो आप ये बात ध्यान रखना, और ये बात भी ध्यान रखना कि 1957 में बनाई थी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है, RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकतम मूल्य मीन्स मैक्सिमम जो रेट है, जो कॉस्ट है, उसका जारी किया गया नोट क्या है। तो ऑप्शन है, 1000, 2500 या फिर 3000। तो RBI द्वारा जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 में, तो उसमें क्या हुआ था कि 500 और 1000 के नोट के अलावा जो नोट आया था वो आया था गाइस, अधिकतम जो नोट था सबसे कॉस्ट लेवल का आया था 2000 का नोट जारी किया गया। नेक्स्ट है, किस अप्रोच के लिए डेटा एनालिसिस के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ऑप्शन है,
उस प्रश्न को ढूंढना जिनके उत्तर दे सकें। विशेष प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर ढूंढना, बिना प्रश्न पूछे डेटा सेव से उत्तर ढूंढना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि किस अप्रोच में किस दृष्टिकोण के लिए डेटा एनालिसिस विश्लेषण विश्लेषणों के प्रश्नों का उत्तर पूछा जाता। तो वो पूछा जाता उस प्रश्नों को ढूंढता है जिनके उत्तर वह दे सके। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कम किया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि जब आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट पर जो है फॉर्मेटिंग करते हो तो वो सबसे कम किस ग्रुप में की जा सकती है। तो ऑप्शन है इंडेक्स, करेक्टर और पैराग्राफ, डिकोडेबल पैराग्राफ और इंडेक्स, करेक्टर सेक्शन और पैराग्राफ, पैराग्राफ इंडेक्स और सेक्शन। तो इस ग्रुप का नाम है करेक्टर सेक्शन और पैराग्राफ। नेक्स्ट है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है डिस्क यूनिट, ALU, मोडम या फिर कंट्रोल यूनिट। तो गाइस, गणना करनी है, तुलना करनी है, आपके अंगणित कार्य करने हैं, तार्किक कार्य करनी है, आपके जोड़ घुटा जोड़ हुआ आपका प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी है, ये सारे वर्क जो करता है वो करता है ALU, जिसे बोल देते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, उन फर्मों को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है रजिस्टर, स्प्रेडशीट, बिजनेस फार्म या फिर सीट स्प्रेड्स फर्म। आपने देखा होगा आपके जो डाटा बनाते हो आप उसमें रोज होती हैं और होते हैं आपके गाइस कॉलम। तो ये जो होते हैं ये आपके किस में होते हैं, आपको अगर कुछ याद हो तो ये होते हैं गाइस हमारे स्प्रेडशीट में, ठीक है। और ये तो थी एमएस वर्ड की बात, इसलिए इसको स्प्रेडशीट बोल दिया। अगर हम लिब्रा ऑफिस की बात करें तो इसको बोलते हैं गाइस काल्क, जी हाँ ये वही है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है, OTP यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र के लिए, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए, सुरक्षित लॉगिन के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए OTP जो कि क्या है, एक वन टाइम पासवर्ड है। अगर आपका पैसा ट्रांसफ़र करना है तो ये उसके लिए भी OTP मांगता है। आपको कोई ऑनलाइन लेन देन करना है तो उसके लिए भी OTP मांगता है। आपने देखा होगा सुरक्षित लॉगिन, जैसे कि आप कोई अपनी ID बनाते हैं तो उसमें पहले एक मोबाइल में आपके OTP नंबर मीन्स एक पासवर्ड आता है। तो ये इन तीनों चीज़ों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक बिट एक बाइट से बड़ा होता है। ट्रू फॉल्स में पूछा गया है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। देखिए बिट क्या है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है जिसे बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ये होती है बिट। और बाइट क्या है, बाइट 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। तो ये बात तो यहाँ गलत है क्योंकि बिट तो कंप्यूटर की छोटी इकाई है और बाइट से जो है ना ये छोटी है, बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है, फेसबुक क्या है। तो ऑप्शन है सर्च इंजन, सोशल मीडिया, बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। फेसबुक, FB का यूज़ आज के ज़माने में लगभग सभी करते हैं। तो ये क्या है FB, ये एक सोशल मीडिया ऐप है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, सेविंग का प्रोसेस है। तो यहाँ पर सेविंग करने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड को प्रयोग से टेस्ट एंटर करके डॉक्यूमेंट डेवलप करना, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना, किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस या ओवरऑल लुक को बदल देना या फिर किसी डॉक्यूमेंट के अडजस्टिंग कंटेंट में परिवर्तन करना। तो सेविंग का प्रोसेस जो है वो है डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी कर लेना। तो नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कबुक से आप इन तक हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो ऑप्शन पूछा गया है कंपनी इंटरनेट पर एक वेब पेज तक, इंटरनेट पर एक वेब पेज तक, ऑफिस ऑन के अन्य एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट तक या फिर उपयुक्त सभी तक। तो
हाइपरलिंक मींस अगर आप एक वेबसाइट को या एक लिंक को दूसरी चीज से क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो यूज करते हैं हाइपरलिंक। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस की, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी इंटरनेट पर एक वेब पेज तक पर भी ये वर्क करेगा, इंटरनेट के एक वेब पेज तक भी, और ऑफिस ऑन होने के अन्य एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट तक भी। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ करेक्ट होने के कारण इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किन कीज से नंबर को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो ऑप्शन है न्यूमेरिक कीपैड, कंट्रोल शिफ्ट और एल्टर, एरो कीज या फिर फंक्शन कीज। तो बात की गई है नंबरों की, तो नंबर किस में होते हैं? न्यूमेरिक कीपैड में ही होते हैं ना, 1, 2, 3 आपके 10 तक जो नंबर होते हैं। तो आप किस चीज़ से जल्दी इनपुट कर पाओगे? इसी से कर पाओगे ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमेरिक कीपैड ऑप्शन एक जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संबंध में कंपैटिबिलिटी का अर्थ है। कंपैटिबिलिटी जिसे हिंदी में बोल सकते हो आप, योग्य या अनुकूल। तो कंप्यूटर के शब्द में योग्य का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है, यह जॉब को हैंडल करने के लिए काफ़ी उपयोगी है, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन होने में समर्थ है, या फिर सॉफ्टवेयर पहले से ही डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के साथ रन हो रहा है। तो कंप्यूटर के संबंध में इसको बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर पर रन होने में समर्थ है। नेक्स्ट है, अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन है, बैंक के नकद काउंटर पर, एटीएम द्वारा, बैंक खाते में जमा करके, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अदाता खाता में चेक का जो भुगतान होता है वो होता है बैंक खाते में जमा करके। तो नेक्स्ट है, डॉस कभी भी लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो पूछा गया है कि ये ट्रू है या फाल्स है। तो डॉस जिसको बोल देते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यही इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। तो ये बात तो एकदम यहाँ पर फाल्स है, इसमें कहा गया नहीं है, जबकि ये की है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, PMJDY के अंतर्गत क्या लाभ जुड़े हुए हैं? PMJDY मीन्स प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत क्या लाभ जुड़े हैं? तो ऑप्शन पूछे गए हैं, 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 का जीवन बीमा कवर, 5,000 तक की अधिकतम सुविधा, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर PMJDY के अंतर्गत ये सारे लाभ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। तो गाइस, ये थे आज के वो 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किए। हमारी क्लास डेली ऑनलाइन 8 बजे होती है, आप ये बात ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ऑन कर देना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। हम आपसे मिलेंगे फिर कल करेक्ट 8 बजे। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।